है दोस्तों, एजुकेशन बोर्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट द कूलिंग सिस्टम इन मोल्डलेस हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग सिंपल से एक डेफिनेशन देखते हैं पहले। राइट, देखो कूलिंग की हमको आवश्यकता क्यों पड़ती है। जब मैं किसी भी मोल्ड की बात करता हूँ ना, तो मोल्ड के अंदर हम लोग मेल्टेड प्लास्टिक मटेरियल को कैविटी के अंदर डालते हैं, इंजेक्ट करते हैं। राइट, तो भाई उसको कूल करने की आवश्यकता पड़ती है क्यों, ताकि उस कंपोनेंट को हम लोग मोल्ड के अंदर से इजेक्ट कर सकें। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए मोल्टन प्लास्टिक मटेरियल जो होता है वो हॉट कंडीशन में होता है, उसके पास कुछ टेम्परेचर होता है। राइट, तो उसको मुझे कन्वर्ट करना होता है, या फिर आप बोल सकते हो सॉलिड प्लास्टिक मटेरियल में हम लोगों को कन्वर्ट करना होता है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करना होता है, ताकि कंपोनेंट का इजेक्शन पॉसिबल हो सके। राइट और रॉन्ग, ठीक है, नोट देखते हैं भाई। एक मोल्ड कूलिंग सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पार्ट की क्वालिटी। अगर पार्ट की क्वालिटी अगर मैं बात करूँ ना, तो पार्ट की क्वालिटी के लिए मोल्ड का कूलिंग सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, देखो अगर आप ये लेक्चर को अगर देख रहे हो ना, तो सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ आपको आराम से बैठ जाइए, बी कंफर्ट एंड फोकस। ठीक है, और फोकस करो लेक्चर के ऊपर, क्योंकि अगर आप कोई एक मैकेनिकल इंजीनियर हो या फिर आप इस इंडस्ट्री से रिलेट करते हो ना, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दैट्स व्हाई। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ मोल्ड कूलिंग सिस्टम, मोल्ड कूलिंग सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है। राइट, इस चीज को समझते हैं। जैसे क्या होता है कि मोल्ड कूलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मोल्ड डिजाइन के लिए। ठीक है, ये किस किस चीजों को इफेक्ट कर सकती है। अगर मोल्ड अगर आपकी मोल्ड की कूलिंग अगर आपकी खराब हो जाती है, या फिर आप बोल सकते हो कि आपका मोल्ड कूलिंग इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो किस किस चीजों को इफेक्ट करेगा, कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो। देखो सबसे पहले है प्रोडक्ट की क्वालिटी। अगर आपकी मोल्ड की कूलिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा ये। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट अपीरियंस में अच्छा नहीं होगा, डायमेंशन में अच्छा नहीं होगा, इफेक्ट का डायमेंशन में कुछ ना कुछ कमी रहेगी, अपीरियंस में कुछ ना कुछ कमी रहेगी, दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा। राइट, ठीक है, सेकंड चीज है साइकिल टाइम। अब देखो साइकिल टाइम मतलब होता है कि आपका जो कंपोनेंट है वो मोल्ड में से कितने टाइम में निकल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो कंपोनेंट है वो मोल्ड में से एक मिनट में निकल रहा है, तो एक मिनट में से 40 सेकंड जो रहेंगे ना वो कूलिंग के रहेंगे। इसका मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कूलिंग इनटू द साइकिल टाइम। राइट, अब साइकिल टाइम में अगर वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसका मतलब प्रोडक्शन की एफिशिएंसी जो रहेगी ना वो भी इफेक्ट करेगी। तो प्रोडक्शन एफिशिएंसी मतलब प्रोडक्शन रेट, कितना कंपोनेंट आप मोल्ड में से निकाल रहे हो। राइट, तो भाई अगर आपको कूलिंग अगर आप अच्छी रखोगे या कूलिंग आप इफेक्टिव बनाओगे ना, बहुत अच्छी डिजाइन करोगे, तो आपका प्रोडक्शन रेट इंक्रीज होगा, लेकिन अगर अच्छा नहीं रहेगा तो वो डिक्रीज होगा। राइट, अगर मैं एक नोट की बात करूं ना, तो मोल्ड कूलिंग डायरेक्टली इफेक्ट करती है ओवरऑल कंप्लीट कॉस्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। आपका कोई भी प्लास्टिक का कंपोनेंट हो, उसकी कॉस्टिंग इनडायरेक्टली कूलिंग के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो अगर आपको कॉस्टिंग कम करनी है और प्रोडक्ट को अगर सस्ता बनाना है, तो आपकी कूलिंग बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। राइट, हीट जनरेशन। अब देखो हीट का जनरेशन कहाँ से होता है, पहली बात तो हीट कहाँ से आती है। देखो अब ड्यूरिंग द प्लास्टिक मोल्डिंग, अगर मैं प्लास्टिक मोल्डिंग की बात करूं, तो हीट जनरेट हो सकती है बाय द शेयरिंग, बाय द फ्रिक्शन, बाय द मेल्ट टेम्परेचर। ठीक है, मेल्ट टेम्परेचर मतलब प्लास्टिक मटेरियल का एक टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए पीपी का जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो होता है 160 डिग्री सेल्सियस के आसपास। राइट, और पीए मटेरियल नायलॉन का जो होता है वो 240 डिग्री सेल्सियस होता है। तो भाई मतलब टेम्परेचर अलग अलग हो रहा है। राइट, अब अगर टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा किसी कारण से, ठीक है, तो उसके कारण एक डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है इनटू द फाइनल प्रोडक्ट, मतलब कुछ भी डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। राइट, अब टेम्परेचर किस कारण से ज्यादा हो सकता है, देखो सबसे पहला कारण है वो मोल्ड का टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है, एनवायरमेंट टेम्परेचर भी हो सकता है, लेकिन मोल्ड का टेम्परेचर सबसे बेस्ट चीज है। और आप प्लास्टिक टेम्परेचर की बात करूँ ना, तो जो भी प्लास्टिक मटेरियल आप यूज कर रहे हो, जैसे पीपी पीसी एबीएस जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हो, तो उसका एक मेल्टिंग टेम्परेचर होगा। उसका टेम्परेचर अगर ज्यादा बढ़ा दोगे, इंक्रीज कर दोगे ना, तो भी मोल्डिंग डिफेक्ट प्रोड्यूस होंगे। किस तरह के मोल्डिंग डिफेक्ट, ये जो आपको इमेज में नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो जो ब्लैक वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है ना, तो वो एक डिफेक्ट है जिसको बोलते हैं बर्न मार्क, मतलब ये जल चुका है यहाँ से भाई। तो ये जलने के कारण ये बर्न मार्क आपको इस तरह से नजर आ रहा है, तो ये कंपोनेंट आपको अच्छा नहीं दिखेगा, आप इसको खरीदोगे नहीं भाई। राइट, तो ये एक मोल्डिंग डिफेक्ट है, तो इस तरह के मोल्डिंग डिफेक्ट तो होने नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, तो हीट जनरेशन को हमको कंट्रोल करना है बाय द कूलिंग मेथड। राइट, कूलिंग मेथड, अब हम लोग समझते हैं कि कूलिंग मेथड कौन कौन सी होती है। देखो सबसे पहले तो हम लोग वाटर कूलिंग का इस्तेमाल करते हैं, और वाटर कूलिंग जो है ना वो सबसे ज्यादा यूज होती है, मोस्ट कॉमन मेथड है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। राइट, देखो
अब इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब गैस के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो वाटर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, राइट। उसका कारण भी है, उसका कारण यह है कि एक तो इसके कॉस्ट बहुत लो होती है और ये आसानी से हमको मिल जाता है भाई, ठीक है। और इसकी थर्मल ट्रांसफर प्रॉपर्टी जो होती है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, दैट्स व्हाई हम लोग वाटर कूलिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेकेंड जो चीज है, इसका जो कूलिंग चैनल हम लोग इस तरह से क्रिएट करेंगे किसी भी कोर और कैविटी के लिए, ठीक है, और इस तरह से वाटर को इसके अंदर से फ्लो करवाते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद है हमारा एयर कूलिंग। एयर कूलिंग जब क्या होता है अधिकतर यूज की नहीं जाती, ठीक है, तो लेकिन एयर कूलिंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं मोल्ड के आसपास कुछ इस तरह से हम लोग चैनल बनाते हैं या फिर बोल सकते हो, तो उस तरह से हम लोग एयर का इस्तेमाल करके उसको कूल करेंगे। लेकिन एक दूसरी मेथड जो है वो है फैन कूलिंग बोल सकते हो आप भाई। प्रोडक्ट को जब मोल्ड से निकालते हैं ना तो मोल्ड से निकालने के बाद उसके अंदर कोई आप बोल सकते हो डिफेक्ट प्रोड्यूस ना, तो डिफेक्ट को अवॉइड करने के लिए हम लोग फैन कूलिंग का इस्तेमाल करते हैं, राइट, ठीक है। सेकेंड जो चीज है वो है ऑयल कूलिंग। देखो लेकिन ऑयल कूलिंग है ना हर जगह इस्तेमाल नहीं की जाती। ऑयल कूलिंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं जहां पर हाई टेम्परेचर मोल्डिंग प्रोसेस होती है, ठीक है, वहीं पर हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। देखो अब इसके क्या वाटर के कारण क्या हो सकता है, कोरोजन आ सकता है किसी मेटल के ऊपर, लेकिन ऑयल के कारण कभी कोरोजन नहीं आता। तो बिकॉज ऑफ दैट ऑयल, अगर ऑयल कूलिंग का इस्तेमाल करते हैं तो भाई हम लोग अवॉइड कर सकते हैं कोरोजन फ्रॉम द मेटल, राइट, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कूलिंग चैनल का डिजाइन। अब जो कूलिंग चैनल के डिजाइन में सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कूलिंग को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहला जो है वो कंपोनेंट का वॉल थिकनेस है और कूलिंग लाइन लेआउट है। यह अभी तक हम लोग समझ चुके हैं, राइट, कंपोनेंट का वॉल थिकनेस एंड द कूलिंग लाइन लेआउट, ठीक है। अब देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास अगर कोई कंपोनेंट है ना, तो उस कंपोनेंट का वॉल थिकनेस जितना ज्यादा कम होगा, ठीक है, उतना ही मुझे कम समय लगेगा उस कंपोनेंट को कूल करने में, राइट। और जितना ज्यादा उस कंपोनेंट का वॉल थिकनेस ज्यादा होगा उतना ही मुझे ज्यादा समय लगने वाला है उस कंपोनेंट को कूल करने के लिए, राइट। अब कूलिंग लाइन लेआउट के बारे में बात करूं तो अभी मैंने एक कूलिंग लाइन लेआउट यहां पर क्रिएट करा है जो कि जिगजैग पाथ का है, राइट। तो यहां पर इसका ये इनलेट रहेगा और ये इसका आउटलेट रहेगा, ठीक है। अब अगर कूलिंग लाइन लेआउट की बात करूं तो जितना छोटा पाथ होगा ना उतना ज्यादा कूलिंग हमारा अच्छा होगा, तो जो पाथ होना चाहिए शुड बी शॉर्टेस्ट, क्लियर है, ठीक है। कूलिंग चैनल के अब सिर्फ डिजाइन के बारे में बात करते हैं हम लोग कि भाई उसका डिजाइन हम लोग कैसे करते हैं। देखो पार्ट के थिकनेस के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है भाई कि उसका कूलिंग का होल कितना होगा, डायमीटर कितना होगा पार्ट के थिकनेस के ऊपर, ठीक है। और होल का होल डायमीटर डिपेंड करा पार्ट के थिकनेस पे। अब यहाँ पर सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द होल, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में भी बात कर चुके हैं, और डिस्टेंस ऑफ द होल फ्रॉम द फेस ऑफ द पार्ट, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में बात करते हैं कर चुके हैं, जिसमें मोल्ड के लेंथ और विड्थ और शट हाइट को हम लोगों ने डिसाइड करना सीखा था कि कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं पार्ट की थिकनेस के हिसाब से आपको यह बताऊंगा कि होल का डायमीटर कितना होता है, राइट। तो पार्ट की थिकनेस हमारे पास यह है 0 to 2 mm, 2 to 4 mm और 4 to 6 mm, ठीक है। तो होल का डायमीटर जो यहां पर रहेगा ना 0 से लेकर 2 mm का रहेगा तो 4 से लेकर 8 रहेगा, 2 से 4 रहेगा तो 8 से 12 रहेगा, और 4 से 6 रहेगा तो 12 से 16 रहेगा होल का डायमीटर, ठीक है। अब सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द होल जो रहेगा वो 2a रहेगा, राइट, और डिस्टेंस ऑफ द होल फ्रॉम द फेस ऑफ द पार्ट भी 2a रहेगा, ठीक है। तो ये लेक्चर आप देख सकते हो, ठीक है, आई बटन पे मैं आपको यहां पर लिंक दे देता हूं, राइट, ठीक है। अब नोट यहां पर देखते हैं कि भाई फॉर द प्रॉपर और द इफेक्टिव कूलिंग पार्ट का जो वॉल थिकनेस होता है ना वो शुड बी यूनिफॉर्म, हमेशा यूनिफॉर्म होना चाहिए, राइट, ठीक है। अब देखो लेंथ ऑफ द चैनल और टाइप बोल सकते हो कि वो डिपेंड करता है कंपोनेंट की ज्योमेट्री के ऊपर कि किस तरह का आप कूलिंग चैनल बनाना चाहते हो, किस तरह की कूलिंग को प्रोवाइड कराना चाहते हो, वो कंपोनेंट की ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है। कंपोनेंट की ज्योमेट्री कैसे भी हो सकती है, राइट, ठीक है। अब देखो टाइप ऑफ मोल्ड कूलिंग समझते हैं, कितनी तरह की मोल्ड कूलिंग होती है, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं समझता हूं भाई इन लाइन कूलिंग, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कूलिंग होती है, जो अधिकतर आप इस्तेमाल करोगे इन लाइन कूलिंग, ठीक है, और है स्पाइरल कूलिंग। तो इन लाइन कूलिंग को समझते हैं पहले। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास जिगजैग है, जो हम मैंने पिछले स्लाइड में भी देखा था, राइट। तो यहां पर यह है इसका इन और यह है इसका आउट, राइट, मतलब यहां से यह इनलेट होगा और यहां से आउटलेट होगा, राइट, ठीक है। यह है स्पाइरल कूलिंग, मतलब आपको कोर के अंदर भी आपको नजर आ रही है और कोर के बाहर भी नजर आ रहा है, मतलब लाइक ए स्पाइरल पाथ, राइट। उसके बाद है ब्लेड और बफल कूलिंग और द प्लेट कूलिंग, ठीक है। ब्लेड और बफल कूलिंग कुछ इस तरह से होती है, जनरली हम लोग कोर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, राइट, कोर इंसर्ट जो होता है उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर आपको यहां पर ये दिख रहा है इसका इनलेट है, ठीक है, और यहां पर ये इसका क्या है आउटलेट है, ठीक है। तो इनलेट एंड आउटलेट, तो डायरेक्शन में बाय द एरो आपको शो कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि कूलिंग किस तरह से रहेगी ब्लेड और बफल कूलिंग के अंदर, राइट।
उसके बाद है प्लेट कूलिंग। भाई कोर और कैविटी प्लेट के ऊपर हम लोग एक प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और उसके अंदर इस तरह से स्लॉट काटेंगे, ठीक है, स्लॉट काटेंगे, एक रहेगा इनलेट और दूसरा रहेगा हमारा आउटलेट, राइट। तो ये सिंपल सा प्लेट कूलिंग है, राइट। अब देखो कूलिंग टाइम एंड इट्स डिपेंड अपॉन, मतलब कूलिंग टाइम और किसके ऊपर डिपेंड करता है ये चीज हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखो जरा पहले मोल्डिंग साइकिल टाइम को समझना पड़ेगा भाई। अगर मोल्डिंग साइकिल की बात करूं ना मैं, तो मोल्डिंग साइकिल में सबसे पहले होता है फिल, पैक, होल्ड, फिर होता है कूलिंग, कूलिंग राइट, और फिर होता है इजेक्शन, राइट। तो आपको कूलिंग वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, वो 60% एरिया है आप बोल सकते हो जो कि कूलिंग टाइम का है, ठीक है। इसका मतलब है कूलिंग टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे मोल्डिंग साइकिल के लिए, राइट। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब अगर मैं कूलिंग की बात करूं तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? देखो ये डिपेंड करेगा पार्ट का वॉल थिकनेस। अब पार्ट का वॉल थिकनेस कम होगा ज्यादा होगा उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा कम वॉल थिकनेस होगा ना, उतना कम समय लगने वाला है हमको कूलिंग के लिए, राइट, ठीक है। सेकंड चीज है टाइप ऑफ कूलिंग, किस तरह की कूलिंग का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इनलाइन कूलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर स्पाइरल कूलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर बफेल कूलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टाइप ऑफ कूलिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन वो टाइप ऑफ कूलिंग डिपेंड करती है कंपोनेंट की ज्योमेट्री के ऊपर, राइट। उसके बाद है मोल्ड का टेम्परेचर, भाई मोल्ड का टेम्परेचर कितना है। अब फॉर एग्जांपल मोल्ड का टेम्परेचर है अबाउट 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द मोल्ड टेम्परेचर और द मटेरियल आप बोल सकते हो कि भाई कूलिंग इफेक्ट करेगी, राइट। मेल्टेड प्लास्टिक का टेम्परेचर, अब मेल्टेड प्लास्टिक का टेम्परेचर मतलब प्लास्टिक मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए पीपी, पीसी, पीए या एबीएस मटेरियल जो भी इस्तेमाल करोगे उसके मेल्टिंग टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा आपका कूलिंग टाइम, राइट। पार्ट का जो इजेक्शन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है पार्ट का इजेक्शन कितने टेम्परेचर पे आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल पार्ट का जो इजेक्शन आपको करना है वो 40 डिग्री सेल्सियस पे करना है, तो भाई 40 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपको पार्ट का इजेक्शन करना है तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, मतलब टाइम कम और ज्यादा हो सकता है, राइट, ठीक है। कूलिंग चैलेंज और सॉल्यूशन, अगर मैं बात करूं भाई कि जब हम लोग कूलिंग करते हैं ना तो कूलिंग कारण कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, कौन कौन से डिफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। जनरली कॉमन डिफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो कॉमन डिफेक्ट जो होते हैं ना वो होते हैं वॉरपेज डिफेक्ट और हॉट स्पॉट्स, ठीक है। वॉरपेज मतलब होता है कंपोनेंट का मुड़ जाना, मतलब कंपोनेंट का वॉर्प हो जाना, ठीक है। और हॉट स्पॉट मतलब होता है ये जैसे एग्जांपल के लिए कंपोनेंट है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इस तरह से ब्लैक डॉट आ जाएगा या फिर ब्लैक वाला पोर्शन आ जाएगा, राइट। तो हॉट स्पॉट इस तरह से एक मार्क बन जाता है जिसको हम लोग बर्न मार्क भी बोलते हैं, राइट, ठीक है। ये किस कारण से होता है, देखो बेसिकली क्या होता है, इसके कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। कारण से तो ठीक है कूलिंग के कारण होता है, लेकिन इसके कुछ सॉल्यूशंस हैं। उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, देखो वॉरपेज को अगर आपको अवॉइड करना है ना तो यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस आप कंपोनेंट के अंदर रखने की कोशिश करो। अगर यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस नहीं रख पा रहे हैं तो फिर हम लोग वहां पर रिब और गसेट्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट। उसके बाद है इवन कूलिंग का इस्तेमाल करो, भाई कूलिंग अनइवन नहीं होना चाहिए, है ना, कोर और कैविटी के अंदर इवन कूलिंग होनी चाहिए, राइट। अब हॉट स्पॉट जनरेट ना हो उसके लिए क्या होगा, ओवरहीटिंग ऑफ ट्रैप्ड एयर इन कंपोनेंट। तो अगर भाई हॉट स्पॉट क्यों जनरेट होते हैं, क्योंकि भाई उसके अंदर क्या प्लास्टिक मटेरियल एयर को जनरेट करता है, तो वो जो एयर होती है वो उसके अंदर ट्रैप्ड हो जाती है, तो उसका ओवरहीट होता है, तो ओवरहीट होने के कारण वो हॉट स्पॉट जनरेट करता है, उस कंपोनेंट को जला देगा, मटेरियल को जला देता है वहां से। तो एयर वेंट का इस्तेमाल करना चाहिए हमको, ठीक है। और है इंक्रीज कूलिंग रेट, कूलिंग रेट को थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, कूलिंग रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा तो पार्ट को वो जल्दी ठंडा करेगा, तो उसको जलाने के लिए समय नहीं मिलेगा, राइट, ठीक है। उसके बाद है एडवांस इन मोल्ड कूलिंग, अगर मोल्ड कूलिंग के बारे में अभी तक हम लोगों ने जो बात करा है उसमें भी कुछ एडवांस हो सकता है, ठीक है, देखते हैं कौन कौन सा एडवांस है। देखो कन्फर्मल कूलिंग इज द मोस्ट एडवांस इन मोल्ड कूलिंग, ठीक है। तो यहां पर आपको कन्फर्मल कूलिंग के लिए मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, ये एक कंपोनेंट है, राइट, और इस कंपोनेंट के लिए कन्फर्मल कूलिंग का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अब कन्फर्मल कूलिंग में कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है, देखो भाई रैपिड कूलिंग होती है इसके अंदर, क्योंकि कूलिंग चैनल को इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है, कि भाई कंपोनेंट बहुत अच्छी तरीके से कूल होता है, राइट। उसके बाद है गुड पार्ट क्वालिटी, पार्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी निकलती है भाई, राइट, ठीक है। वो कूलिंग टाइम भी कम लगता है और हाई एक्यूरेसी, एक्यूरेसी होती है कंपोनेंट की बहुत ज्यादा अच्छी निकलती है, ठीक है। डिसएडवांटेज इसका हाई कॉस्ट, भाई इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इसको बनाने में मतलब पसीने आ जाएंगे आप ये बोल सकते हो, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्टीज, मैन्युफैक्चरिंग इसकी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, अगर आप VMC से या 5XS मशीन से अगर इसको बनाना चाहोगे ना तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसको 3D प्रिंटिंग भी बोलते हैं हम लोग। तो इसकी कोर और कैविटी इंसर्ट को अगर आप बनाओगे ना, वो 3D प्रिंटिंग से बनाना पड़ेगा,
राइट। तो ये कन्फर्मल कूलिंग थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसे प्रिसाइज कंपोनेंट है इस तरह के हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे कोई कंपोनेंट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर हम लोग कन्फर्मल कूलिंग का इस्तेमाल करते हैं, राइट। ठीक है, तो कन्फर्मल कूलिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज वेरी हाई, दैट्स वाई अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में हम लोग कॉमन प्रोडक्ट के लिए कभी कन्फर्मल कूलिंग का इस्तेमाल नहीं करते, राइट। चलिए, यहां पर मेरे पास एक मोल्ड है, ठीक है। इस मोल्ड की कूलिंग को मैं आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर मोल्ड में कौन सी कूलिंग का इस्तेमाल किया गया है। पहले मैं इसका एक सेक्शन व्यू काट के आपको जरा दिखाता हूं कि इसका सेक्शन व्यू कैसा दिख रहा है, राइट। इसका सेक्शन व्यू कुछ इस तरह से नजर आ रहा है, और हमारा जो ये स्काई ब्लू कलर का जो आपको कंपोनेंट नजर आ रहा है ना, दिस इज नथिंग बट दिस इज द कंपोनेंट, राइट। और हमारा कूलिंग वाला जो एरिया है वो ये कूलिंग वाला एरिया है, देखो ये वाला कूलिंग है जिसमें हम लोगों ने स्पायरल कूलिंग जैसा एक चीज दिया है, राइट। और नीचे यहां पर जो है बफेल कूलिंग का इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब अगर मैं कूलिंग के बारे में बात करूं तो कूलिंग चैनल को ही मैं आपको सिर्फ शो करता हूं, इसके पूरे मोल्ड को यहां से मैं हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है मुझे अभी, राइट। ठीक है, तो यहां से हम लोग इसको हटवाते हैं यहां से, तो सी दिस इज नथिंग बट दिस इज द कूलिंग, राइट। तो यहां पर दिस इज द कैविटी कूलिंग, ये जो आपको दिख रहा है ये कैविटी है, ठीक है। दिस इज द कंपोनेंट एरिया, ये हमारे पास कंपोनेंट है, तो मैं कैविटी को यहां पर अलग करता हूं जरा एक बार, सी दिस इज द कैविटी कूलिंग, राइट। देखो ये कैविटी इंसर्ट है, इसके अंदर हमारा मोल्ड कंपोनेंट आएगा, कंट्रोल एच करके एक बार देखो, यहां से मटेरियल इंजेक्ट होगा, यहां से मटेरियल इसके अंदर इंजेक्ट होगा, राइट। अगर मैं कूलिंग चैनल की बात करूं तो ये जो ग्रीन कलर के आपको स्पॉट नजर आ रहे हैं ये इसका इनलेट है, और जो आपको रेड कलर के जो स्पॉट नजर आ रहे हैं ये इसका आउटलेट है, ठीक है। तो किस तरह से वाटर फ्लो करेगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये एक लाइक अ टनल, मतलब आप सर्कुलर मोशन करेगा, फिर उसके बाद लाइक अ टनल इसके अंदर से मूव करेगा, फिर उसके बाद इस तरह से मूव करेगा, क्योंकि भाई इसका जो पोजीशन होता है मोल्ड के अंदर हॉरिजॉन्टल मोल्डिंग मशीन में कुछ इस तरह से होता है, राइट। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये है कैविटी कूलिंग, ठीक है। तो स्पायरल टाइप की कूलिंग है। अब ये जो है ये है कोर कूलिंग, तो इसके अंदर हम लोगों ने इंसर्ट का इस्तेमाल किया है, कंट्रोल एच करके मैं इसका सेक्शन व्यू काटता हूँ, देखो जरा इंसर्ट का इस्तेमाल किया है। तो इसके अंदर हम लोगों ने बफेल कूलिंग का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो सेंटर से वाटर जो है वो मूव करेगा, उसके बाद वो आसपास इस तरह से गिरने वाला है, राइट, इस तरह से गिरने वाला है। इसके अंदर इनलेट देखो क्या है भाई, देखो ये ग्रीन स्पॉट जो दिख रहा है वो है इसका इनलेट, और जो रेड स्पॉट जो आपको दिख रहा है वो है इसका आउटलेट, लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज द कूलिंग मेथड, कोर इंसर्ट के लिए और कैविटी इंसर्ट के लिए, ठीक है। इसके कंप्लीट मोड को मैं एक बार फिर से शो कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीजें थी, लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट मोल्ड, ठीक है। और इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया है, कूलिंग शो की है कि किस तरह से कूलिंग को हम लोग बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।